Allah, Allah, Allah Allahu, Allahu, Ya Rabbi, Allah Allahu, Ya Rabbi, Ya Allah, Allah, ya Allah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم أنبيائه ورسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا هشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وقال المولى جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكروا وروى الطبراني أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال

रबालमीन सुरहफ़ आयत नंबर पाँच और छः में फ़रमाता है वमन अज़लम्दून मल्ला यजीबल उस शख़्स से बड़ा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह के अलावा ऐसों को पुकारता है जो उसकी पुकार को क़यामत तक नहीं सुन सकते क़यामत तक कबूल नहीं कर सकते वमन अज़ल लम्दून मलायजीबलोयाम क़्यामत तक पुकारता रह जाए उसकी पुकार को नहीं सुन सकते वम अंद ही मून बल्कि कौन पुकार रहा है इसको भी नहीं जानते कौन आया है कौन हमारे स्टेचू के सामने खड़ा है कौन हमारी खबर पे खड़ा है वो इसको भी नहीं जानते अजीम आयत है गोया जो अल्लाह के अलावा को पुकारता है जलब खैर और दफे शर के लिए फसूल नफा और दफ़े नुकसान के लिए रबुल आलमिन ने फरमाया कि उससे बड़ा कोई गुमरा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो मुशरक है और मुशरिक सबसे बड़ा गुड़ा और फरमाया मल्ला क़ियाम। ऐसों को पुकारता है जो क़यामत तक उसकी पुकार सुन नहीं सकते फरमा रहा है कि वो सुन नहीं सकते और लोग कहते हैं कि नहीं औलियाए किराम सुनते हैं देखते हैं जानते हैं कायनात में तसर्रुफ़ करते हैं अपने मतकदीन की हाजतें पूरी करते हैं उनकी तकलीफ़ों को दूर करते हैं अल्लाह फरमा रहा है कि जिनको तुम पुकारते हो वो क्यामत तक तुम्हारी पुकार नहीं सुन सकते नहीं कबूल कर सकते सवाल है आन आलम तुम आलम्ला तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह ज़्यादा जानता है तुम सही बोल रहे हो या अल्लाह सही बोल रहा है यकीन अल्लाह सही ही बोल रहा है तुम अल्लाह पर झूठ गते होलिया कराम की तनखीज़ करते हो अम्बिया की तनकीज़ करते हो उनको उनके मक़ाम से ऊपर उठाते हो ऐसे मकाम पर जिसको अलिया कराम अम्बिया कराम ने कभी कबूल नहीं किया पसंद नहीं किया वो जानते थे कि अल्लाह की अबदियत और गुलामी में ही उनकी इज्जत है उनकी नजात है मगर तुमने उनको उनके मकाम से ऊँचा कर दिया उनकी तनखीज़ की और रबालमीन की तनखीज़ की कि एक आज इस मखलूक को कमज़ोर को अल्लाह रबालमी अलीम कदीर तमाम हाजतों के पूरे करने पर जो क़ादर है उस ज़ात के बराबर कर दिया अल्लाह के हक़ को हज़म कर लिया बंदगी सिर्फ अल्लाह का हक़ थी जिसके लिए उसने बंदों को पैदा किया था तुमने अल्लाह के अलावों के लिए बंदगी को रवा रखा इसको पुकारते हुए रबुलालमिन फरमाता उससे बड़ा कोई जालिम नहीं हो सकता जो अल्लाह के अलावा ऐसों को पुकारे जो क़्यामत तक उसकी पुकार कर सुन नहीं सकते बार दफ़ा लोग ऐसा होता है कि कब्रों पर जाते वाक़ बता रहे अमरे वाक़ की, कब्रों पर जाते हैं दुआ सवाल करते अपने अपने अंदाज से आप जानते हैं मैं कितनी दूर से आया हूँ कितना परेशान हाल हूँ बहुत से लोगों की मुरादें आपने पूरी कर दी झोलियाँ भर दी हैं बिगड़ी किस्मत संवार दी है मैं भी आपका मतखिद रोता धोता आया हूँ आपके पास हमारी भी सुन लीजिए हमारी भी पुकार सुन लीजिए वगैरह वगैरह जो भी कुछ कहते हैं अगर इतफाक़ से तकदीर ने मुआफ़त की अल्लाह ताला ने लिखी है कि हाँ इसकी परेशानी फला तारीख को दूर हो जाएगी और उससे पहले शैतान उसको किसी नामी गिरामी मशहूर कब्र पर ले आने में कामयाब हो गया और तकदीर ने साथ दिया अल्लाह रबालम का फैसला इसी दिन के लिए था हर काम का उसके यहाँ वक्त मुकर है तो अगर उसकी ज़रूरत पूरी हो गई बड़ा खुश होगा और कहेगा देखो लोग कहते हैं कि औलिया कराम सुनते नहीं मैं साहब औलाद नहीं था वहाँ गया देखो मुझे मुझको औलाद मिल गई अब मुश्रक का शिरक और बढ़ा शैतान ने और गुमराह किया और अपने साथ साथ उसने न जाने कितनों को गुमराह किया चलो भाई वहाँ बिगड़ी बनती है औलाद मिलती है मेरे खुद का मामला है मेरी खुद अपनी ज़िंदगी का तजर्बा है वगैरह वगैरह लेकिन मज़ा तब आता है जब कई मरतबा गए बहुत रोए बहुत गिर और बहुत सी दरगाहों की खाक छान ली और मुकद्दर में चुके नहीं है इसलिए नहीं मिला क्योंकि अल्लाह के अलावा तो कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता तिनका नहीं दे सकता एक तिनके का भी कोई अल्लाह के सिवा मालिक नहीं है कायनात में एक जर्रे के भी लोग मालिक नहीं हैं तब ऐसी सूरत में क्या कहेंगे कि असल में जब हम कब्र पर गए तो बुज़ुर्ग कब्र में नहीं थे कब्र से गायब थे वो तो चूँकि दुनिया में घूमते हैं ना तो शरूफ़ करते हैं इसलिए जब हम गए और जब हमने उनको पुकारा तो उस वक्त कब्र में नहीं थे वो अपनी रैयत का हाल मालूम करने के लिए कब्र से बाहर गए हुए थे कहेंगे हम बहुत गुनहगार थे इसलिए उन्होंने हमारी नहीं सुनी दिफा कर रहे हैं उन बुजुर्गों का इल्ज़ाम अपने ऊपर ले रहे हैं लेकिन हाँ वो तो अंतर्यामी है वो तो गैब जानते हैं वो तो मुसीबत दूर करते हैं नवाजते हैं गलती हमारी थी जिस वक्त हम गए उस वक्त नहीं थे हमारी बदनसीबी क्या करोगे हमने उनको सही ढंग से नहीं पुकारा हमारे गुनाह इतने थे कि हजरत राजी नहीं हुए और जितनी कीमती मन्नत की चादर चढ़ानी थी हमने वो नहीं किया लेने के वक्त हमने सोचा चादर पाँच हज़ार की भी थी पचास हज़ार की भी थी जी में आया पचास हजार की लो, लेकिन पैसा नजर आया तो पाँच हज़ार ही की चादर पर इक्तफ़ा कर लिया इसलिए देखो ये हमारी नीयत में वही फतूर हो गया था इसलिए यहाँ इन्होंने हमारी हाजत नहीं सुनी नहीं कबूल की इस तरीक़ा से अपने आप पर ही इल्ज़ाम देंगे लेकिन अगर कोई ज़रूरत अल्लाह ने पूरी कर दी किसी दरगाह से वापस होने के बाद तो उनकी बातचे खिल जाती हैं कहा देखो तो वो ज़रूरत पूरी करती ये शैतानी फलसफा है रब तला की तोहिद जाये हो जाए पड़वा नहीं लेकिन बुजुर्गों की बेजा करामत और उनकी वलायत के झूठे किस्से और शिरकी अकायद जो उनसे मुत्ल हैं उन पर आँच नहीं आनी चाहिए ला रबालमी फरमाता वमन अजलमिन उमिन उस शख्स से बड़ा गुमरा कौन हो सकता है जो अल्लाह के इलावा को पुकारता है जो क़्यामत तक उसकी पुकार सुन नहीं सकता कबूल नहीं कर सकता वहम अंदोए हिम गाफिलून अब वो उनकी पुकार से भी गाफिर इसको क्या पता किसको लोग पुकारते हैं दुनिया में मलाइका को माशाला मलायका राम अपनी अपनी ड्यूटियों में मशगूल है जिन कामों पर अल्लाह ने उनको लगा रखा लग है उन ड्यूटियों में मशगूल है वो आपकी तरफ के तवज्जो देंगे भल इबाद मक्रम लापन बिल्कुल बेअमल अल्लाह के ऑर्डर को फॉलो करते रात दिन इसी में लगे हुए नहाय तो भी डेंट हैं मुखालफत इसियान नाफरमानी तो जानते भी नहीं अपने काम में मशगूल है वो आपकी तरफ की तोज्जो करेंगे इसी वो गाफिल हैं। कौन हमको पुकार रहा है जिबरील मिकाइल इसराफिल और दूसरे फरिश्ते जो भी हैं कोई भी आपकी पुकार को नहीं सुनते नहीं समझते उनको इससे मतलब ही नहीं वो अपने काम में लगे हुए हैं और इसी तरीका से अम्बिया और साल को पुकारते हैं जो अंगुआत है इसे वो नहीं सुनते या आप ऐसों के सामने खड़े हैं पैर के सामने खड़े हैं पहाड़ के सामने खड़े हैं दरिया के सामने खड़े हैं सूरज और चांद के सामने खड़े हैं मूर्तियों के सामने खड़े हैं जो जमादात हैं जो बेजान हैं जिनको एहसास नहीं कि वो वापसी सुने रबुल आलमी फरमाता है कि लोग जिसको भी पुकारे अल्लाह के अलावा अरे पुकार को सुनता है वो जो जिंदा हो वो जो सामने हो मैयत पुकार नहीं सुनता और गायब शख्स पुकार नहीं सुनता टेलीफोन का जमाना टेलीफोन लगाओगे तो कहीं सुनेगा ना आदमी लेकिन टेलीफोन हटा दो तो एक मील आधे मील से ज़्यादा तुम्हारी आवाज़ नहीं जाएगी लेकिन हाँ हजारों मील से बुजुर्गान आने दिन सुन लेते हैं दिल के खटके को समझ लेते हैं इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ा अल्लाह की तोहिद का कुछ नहीं बिगड़ा है हमारे और आपके ईमान और अकीदे की खराबी हो रही और शैतान हमारी अकलों से ऐसे खेल रहा है जैसे बच्चा गेंद से खेलता है तो अल्लाह ने फरमाया हिम ना कानूम आदा यह जबरदस्त जुमला देखे और जब लोग क्यामत के दिन मैसान महशर में जमा किए जाएंगे कानूल आदा तो जिन बुजुर्गों को आप पुकार रहे हो जिन नबियों और जिन वलियों को अल्लाह के मुकाबले में पुकार रहे ये तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे क्योंकि हमने कब कहा था हमको पुकारने के लिए हमें तो पता भी नहीं था कि तू कब आए क्यों आए शिर करने के लिए वास्ते आए हमारे पास जो अल्लाह का नेक वली होगा उसने कभी किसी से नहीं ये कहा होगा कि मेरी पर आना मुझको पुकारना और मैं अल्लाह ताला से सिफारिश तुम्हारी कर दूंगा या मुझसे डायरेक्ट मांग लेना ये कोई शैतान ही कहेगा और कहलवाएगा अल्लाह का कोई वली नहीं कह सकता वही ज़ाहिर आदा दुश्मन हो जाएंगे आज अकीदत मोहब्बत दोस्ती करते हो कल यही बुजुर्गान दिन शिरक करने के नतीजे में तुमसे दुश्मन हो जाएंगे एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। आप हमारे साथ बने रहिए सलामकुम वरह वरक मैं दर्द से पहले सूरह अहकाफ की आयत की रोशनी में अर्ज कर रहा था कि रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जिनको ये अल्लाह के अलावा पुकारते हैं ये क़्यामत तक पुकारने वालों की पुकार कबूल नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कुछ है ही उनफा नुकसान के मालिक हैं ही नहीं कायनात में एक ज़र्रे के मालिक नहीं बल्कि वो अपने पुकारने वालों से भी काफ़िल है कौन किधर आया कौन पुकारा नहीं पुकारा वो जानते ही नहीं हैं क्योंकि या तो वो अमवात हैं जो सुन नहीं सकते या वो फरिश्ते हैं जो अपनी ड्यूटियों में लगे हुए हैं अपने काम से मतलब है उनको दूसरों की तरफ तोज्जो नहीं करते या वो जमादात हैं बेजान है इसे उनको पता नहीं है वो कल क़यामत के दिन जिनसे अकीदत और महब्बत है आपकी और जिनकी शिफातों पर रिजे बैठे हैं कि जहनम से नजात दिला देंगे हाथ पकड़ के खींच लाएंगे वो कल क़्यामत के दिन आपके दुश्मन हो जाएंगे आई मरदु शैतान भी अपना दामन झाड़ देगा कि हमारा क्या कसू हम तो गुमराह करने के लिए थे ही दुनिया में तुम्हारे लिए तुमने हमारी बात क्यों मानी हमने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं की थी तुमने क्यों नहीं कुरान पढ़ा क्यों नहीं हदीस पढ़ी क्यों नहीं दीन की बातें समझी तुम्हारी अकल पर खुद का पर्दा पड़ा हुआ था मेरा काम तुमको जलालत की तरफ बुलाना था कोई ज़बरदस्ती तो मैंने नहीं की थी तुम तो खुदाए थे हमारी तरफ तो चलो आजाब का मजा चखो मैं तुम्हारे किस काम का मैं भी अपने जुर्म की सतह भगत रहा हूँ तुम भी अपने जुर्म की शैतान भी दामन झाड़ के भागेगा और अल्लाह के उमाम तो इनकार कर देंगे दें बड़ी नंबर इक्यासी बिरासी में अल्लाह फरमाता है कि ये अल्लाह के अलाबों से ताल्लुक रखते हैं उनकी इबादत करके उनसे तकर्रब और नज़दीकी हासिल करते हैं दोस्ती का रिश्ता अकीदत और एहतराम का रिश्ता क़ायम करते हैं पीरी मुरीदी का रिश्ता क़ायम करते हैं नज़र न्याज चढ़ाते हैं जानवर जबर करते हैं ताकि उनकी इज़्ज़त बढ़े दुनिया में भी इज्जत बढ़े और अल्लाह के पास भी वो उनको इज्जत दिला सके कल्ला सज फरूना बे इबादत इम हरगज नहीं अन करीब ये सब क्यामत के दिन की इबादतों का इनकार करने वाले इनकार कर देंगे वह यकून आलि जिदा और इनके खिलाफ हो जाएंगे बिल्कुल उल्टा मामला हो जाएगा रिवर्स बायश इज़्ज़त समझते हो तुम्हारे खिलाफ़ मुकदमा दायर करेंगे और तुम्हारे खिलाफ़ अल्लाह से अपील करेंगे इनको सख्त से सख्त सजा दें जिसने तेरे हक़ को ज़ाया किया था और दूसरों की गुमराही का जरिया बना था जिनको लोग अल्लाह के अलावा मतबू समझते हैं मता समझते हैं जिनकी पैरवी करते हैं कुरान सुन्नत के मुकाबले में जिनकी पैरवी कर रहे हैं किसी बड़े आलिम ने किसी इमाम ने किसी फ़कीर ने यह नहीं कहा कि कुरन सुन्नत को छोड़ के बेड़े पी जाओ लेकिन यह आप करते हैं या कराने वाले कराते हैं अल्लाह उनको अच्छी समझ दे कल जिनकी आप पैरवी कर रहे हैं अल्लाह उसके रसूल के मुकाबले में आपसे का इजहार कर देंगे इस्तबर में न न में है कि जिनकी पैर की जा रही है वो कल क्यामत के दिन अपने पैरों से बड़ा का इजहार कर देंगे रिश्ता नाता तोड़ देंगे वरा अजाब और जब अजाब को देखेंगे सारे रिश्ते नाते कट जाएंगे सच फरमायादा जब कयामत के दिन मैदान मशर में जमा हो गए तो ये सारे वो लोग जिनकी तुम परस्तिश कर रहे तुम्हारे हो तुम्हारे दुश्मन हो जाए वह कानू बबादतम काफिरन अल्लाह इस जुमले पर आइए व कानू बबादतम काफीन और वो तुम्हारे कुफर का इनकार कर देंगे तुम्हारी इबादत का इनकार कर देंगे गोया बुजुर्गों के पास जो कुछ आप कर रहे हैं चढ़ावा चढ़ा रहे हैं जिनको आप अकीदत एहतराम मोहब्बत का नाम दे रहे हैं रबुल आलमीन कह रहा है कि इबादत है वह कानू बे इबादत तुम जो हमारे पास आकर इबादत करते थे यानी बुजुर्गों के पास जो आकर के इबादत करते थे उनकी इबादत का उनको जो पुकार रहे हो उनसे जो फरियाद कर रहे हो और जो उनके पास नियाज चढ़ा रहे हो रबुल आलमीन फरमा रहा है कि ये उनकी इबादत है अब आप जिस नाम से उसको पुकारो अकीदत मोहब्बत एहतराम कोई सा भी नाम डालो नाम डालने से नाम देने से कोई हकीकत नहीं बदलती ये जो कुछ गैरुल्ला के पुजारी गैरुल्ला के सामने करते हैं अल्लाह आलमीन उसको गैरुल्ल की इबादत करार दे रहा है वह कानू ब इबादत वो तुम्हारी इबादत का इनकार करने वाले हों इस आयत में मालूम यह हुआ कि उस शख़्स से बड़ा कोई गुमराह नहीं जो अल्लाह के अलावा गैर अल्लाह को पुकारता दूसरी बात मालूम हुई कि जिनको ये अल्लाह के अलावा पुकारते हैं वो क़्यामत तक पुकार कबूल नहीं कर सकते सुन नहीं सकते कबूल नहीं कर सकते और तीसरी बात इस पुकारने के सबब कल क़्यामत के दिन वो पुकारने वालों के दुश्मन बन जाएंगे और चौथी बात यह मालूम हुई कि जो लोग अल्लाह के अलावा को पुकारते हैं और उनसे क़ुर्बत और नजदीकी हासिल करने के लिए चढ़ावे चढ़ाते हैं जिनको अकीदत मोहब्बत और एहतराम का नाम देते हैं ये दर हकीकत उन बुज़ुर्गों की इबादत है। और पाँचवीं बात ये मालूम हुई कि जिन बुजुर्गों के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है वो उनकी शिरकिया इबादतों का खुल्लम खुल्ला क़ियामत के दिन इनकार कर देंगे तो अब क्या रह गया न खुदा ही मिला न वाल सनम न इधर के रहे न उधर के दिन भी खराब हुआ अकैदा भी खराब हुआ कोई चीज़ हासिल भी नहीं हुई के दिन बढ़ चढ़ करके अजाब हुआ और जिनसे रिश्ता नाता जोड़ा था अल्लाह के मुकाबले में अल्लाह का हक जिनको दिया था कि वो खुश होंगे राज़ी होंगे वो आज हमारे ज़िद हो गए इस आयत करीमा की तफसीर के बाद साहिब किताब ने इस बाब में एक और आयत हमारे लिए जिक्र की है जो सुर अन्नमल की आयत नंबर बासठ है जिसमें अल्लाह रब्लॉमी ने मुशरकिन से कहा है "अम्म युजीबुल मुस्तर इजा द आह वक्शु क्या वो हस्ती जो मुस्तर की दुआओं को सुनती है जो मजतर की परेशान हाल की दुआओं को सुनती है वो हस्ती वह यकश उस और तकलीफ़ों को उससे दूर करती वह यज आलोकम खुलाफा अलग और तुमको ज़मीन का खलीफा और हाकिम बनाती है वो हस्ती कौन है अला अल्ला। क्या अल्लाह के अलावा कोई हस्ती है नहीं मुझकीन खामोश हैं वो जानते थे कि अल्लाह के अलावा कोई मुश्तर की दुआओं को सुन नहीं सकता चुनाचे जब मुस्तर होते परेशान हाल होते कश्ती गर्दावे बला होती आफतों से घिरती हिलाकत नजर आती तो दाऊल्लह मुखरसीद्दीन सुबह बदसकम्रफ़ली नालो फ़रियाद अल्लाह से करते उसी से रोते गड़गड़ाते अपने बुज़ुर्गों का तो नाम भी भूल जाते उस वक्त और यही वजह थी फतेह मक्का के दिन जब इबन अभी जहल भागे क्योंकि इस्लाम दुश्मनी में इंतहा को थे पहुँचे हुए और समंदर में सवार हुए हफ् जाने के लिए और कश्ती भवड़ में फंसी और सब ने एक दूसरे को कहा कि इस वक्त अल्लाह के अलावा कोई काम नहीं आ सकता सिर्फ़ अल्लाह को पुकारो, सिर्फ़ अल्लाह को पुकारो, भूले से भी अल्लाह का नाम बतलो तो हजरत इक़रमा के कल्बो दिमाग पर पड़ा हुआ पर्दा हट गया अच्छा जब समंदर में नजात देने वाला अल्लाह है खुशकी में भी नजात देने वाला अल्लाह ही है उसने अपने आप में ये अहद किया अल्लाह से अपने दिल में ये अहद किया अल्लाह से कि अल्लाह अगर तूने हमको निजात दे दी और हमारी जान बच गई कश्ती किनारे लग गई तो मैं अहद करता हूँ कि मैं तेरे रसूल के पास जाऊँगा उनसे माफी मांगूंगा उनका कलमा पढ़ूंगा और मुझे उम्मीद है कि मुझे बख्श देंगे माफ़ कर देंगे। और वो माशाल्लाह आए और मुसलमान हुए और अच्छे मुसलमान हुए और इस्लाम के खातिर उन्होंने ज़बरदस्त कुर्बानियाँ की बल्कि कोशिश ये की कि जितनी हमने इस्लाम को तकलीफ पहुँचाई है पहले इस्लाम को जितना नुकसान पहुँचाया है हर गुनाह के बदले में हम कोई शवाब कर लें उसका कफ्फाड़ा नकियों की शक्ल में जिहाद की शक्ल में दे दें और अच्छा मुसलमान बन कर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी रजी अल्लाह और जबकि उसका बाब अबू जहल इस उम्म का फिर अल्लाह फरमाता कि कौन है अल्लाह के सवा तो तुम्हारी तकलीफ़ों को दूर कर दे मुस्तर की परेशानी बेचैन तिल मिलाए हुए परेशान इंसान बिल मिलाए हुए इंसान की परेशानी को अल्लाह के सिवा कौन दूर कर सकता है उसकी दुआओं को कौन सोचता है तकलीफ़ों को कौन दूर करता है और तुम्हें ज़मीन की हुकूमत और बादशाह कौन था फरमाता है अल्लाह सूर्य नमल की ये चंद आयात हैं आप इनको पढ़िए ईमान अफरोज आयते हैं पाँच छः आयतें यहाँ पर जिनका वो मक्का वाले इकरार करते थे अल्लाह तला की रबूबीत का कि अल्लाह ने ज़मीन पैदा की आसमान पैदा किया बारिश बरसाता है और इसी तरीक़े से वो हमारे लिए बागात, हरे भरे तरोताज़ा फल की शक्ल में हमारे लिए रोज़ी मुहैया करता है जिसने नहरें जारी की हैं और समंदरों के दरमियान जिसने बारिक सा पर्दा लगाया है मीठे पानी का और खाले पानी के दरमियान फ़र्क करने के लिए और वो जो खुशकी में और तरीकी तारीखियों में समंदर में और खुशकी में तारीखियों में हमें हिदायत देता है वगैरह वगैरह तमाम बातों का इखरार करते थे अल्लाह तला ने उनकी रबूबियत केकरार को अपनी रबूबियत का जो मक्के वाले अखरार करते थे इसको पेश करके अल्लाह ने उलूहियत की ज़बरदस्त दलील कायब की है कि ये सब अल्लाह करता है और तुम सब मानते हो ये सिर्फ अल्लाह ही करता है जैसे यहाँ भी सवाल है चैलेंज है अलाु मिला क्या अल्लाह के अलावा अल्ला अल्ला भी कोई है जो इस तरह की कोई बातें करता हो तकलीफ दूर करता हो जमीन का खलीफा बनाता हो तुम्हें मुसीबत से निजात देता हो अला मक्के वाले खामोश हैं वो जानते थे कि अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं करता उनके शिर की नोयत सिर्फ ठीक है बुजुर्गान हमसे राज़ी हो और अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करे तो अल्लाह ने अल्लाए मली लम्मा तजा करूँ तुम बहुत कम नसीहत पकड़ते हो यानी तुमको नसीहत पकड़ना चाहिए जब ये सब कुछ अल्लाह ही करता है परेशानी को अल्लाह ही दूर करता है तो बंदगी का मुस्कवी सिर्फ और सिर्फ़ अल्लाह सुबह ये चार आए थे इस बाब के अंदर मौलिफ ने पेश की हैं जिनसे ये बात रोज़ रोशन की तरह वाज हो गई कि तोहद का लाजमी तकाजा ये है कि आदमी अपनी दुआ और तलब अपना नाल व फरियाद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से करें क्योंकि उसके अलावा कोई परेशानी को दूर करने वाला नहीं उसके अलावा कोई खैर से नवाजने वाला नहीं जिनको आप अल्लाह के अलावा हाजत रवा और मुश्किल कशा मानते हैं वो खुद अपने नफा नुकसान के मालिक नहीं है वो आपका क्या भला कर सकेंगे इस सिलसिले में इन शुफु मजीद आएगी अब यहाँ जो एक हदीस साहिब किताब ने इसतास और दुआ गैर लाला के शिरक होने पर जिक्र की है वो हदीस तबरानी की है तबरानी ने औसत में एक रवायत जिक्र की है ालिबा वो हदीस उबादा बिन सामित रजी अल्लाह से है कि एक मुनाफिक था मदीने में जो मुसलमानों को बहुत सताता था बहुत परेशान करता था नाम ज़िक्र नहीं है और इससे पहले आपको बता दें कि इस हदीस की सरद में अरे ने कलाम किया क्योंकि इस हदीस की सरहद में जैसा किसमी ने कहा कि रजाल तो सही है सही के रेजाल हैं लेकिन इसमें एक रावी इबन लहिया है वो ज़यीफ़ रावी और उससे रवायत करने वाले जैद बिन हबाब है और इनकी रवायत इबन लहिया से ज़यीफ़ होती लिहाजा हदीस सनतन ज़यीफ़ है लेकिन अलहमदिल्ला जो मौजू है कि अल्लाह के अलावा से फरियाद करना अल्लाह के अलावा से दुआ करना यह शिरक है साहिब किताब ने चार चार आयतों से दुआ को साबित किया है ये हदीस जिसकी सनद में अली कलाम किया है या सहीफ़ है ये इसको उन्होंने तइद के तौर पर सालवी दर्जे में सेकेंडरी स्टेज में इस हदीस को पेश किया है सिर्फ बुआ को बताने के लिए वरना मुद्दा तो अलहमदिल्ला आयतों से साबित है सिर्फ ताइद के लिए इस हदीस को लाए हैं बहरहाल हम इसको पढ़ते हैं कि एक मुनाफिक था जो तकलीफ देता था वो मुनाफिक कौन था इसका जिक्र नहीं है लेकिन गालिब ग यही अहतमाल ये है कि वो बिन ओबी मुनाफिक था जो अक्सर मुसलमानों को परेशान करता था उनकी इज़्ज़त आबू पर हमेशा हमले करता था और उनको चढ़ाया करता था तो गालिबन ये शख्स वही था और वो परेशान करता था मुसलमानों को बुरा भला करता था अजियत मुखलिफ़रीक़ा से कौलो फ़ैल से तकलीफ़ पहुँचाया करता था तो साबा ने कहा कि कम चलो हम लोग चलते हैं नबी साह उनके पास अब ये जाने वाले या तो एक आदमी रहे होंगे या कई आदमी रहे होंगे आबाद रिवायत में है कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह और ये कहा कि नस्तगीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन बेरसूल मुनाफिक इस मुनाफिक के शर से हम नबी साहु से फ़रियाद करेंगे कि आप हमको इस मुनाफिक के शर से बचाइए इन शाह हमारी गुफ्तगू का सिलसिला इस हदीस पर जारी रहेगा हम इसी बार इस मजलिस को ख़त्म करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने और आपके लिए शिर्क से आफ़ियत का सवाल करते हैं सल्लल्लाहु सल अनबी मोहम्मद وعلى آله وصحبه وسلم الله الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله